अस्सलाम वालेकुम अभी भी 5 लाख डाउन पेमेंट एंड 1% मंथली ईएमआई में खुद का घर, वो भी एमएम वैली में। एमएम वैली मतलब मुमरा का नया लोखंड वाला। इधर आपको ग्राउंड प्लस 7 का विंग मिलेगा, जिसके नजदीक आपको स्टेडियम मिलेगा, आपको कॉलेज मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा और बहुत सारी एमिनिटीज वॉकिंग डिस्टेंस से मिलेगी। यहाँ का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 1% मंथली ईएमआई टीएमसी में रेरा अप्रूव्ड में खुद का घर मिलेगा। हमारा पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है, प्लीज इसका बेनिफिट उठाइए। को अगर अचानक से कोई ब्रेक मारता है तो उसकी गाड़ी स्लिप होना ही होना है। एक स्पीड ब्रेकर यहाँ पर बनाएगा, ये देखिए बारी बारी कितना रेती यहाँ पर मौजूद है, ये स्पीड ब्रेकर। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के एमएम वाली रोड पर बनाए गए ब्रेकर जो है ये अब काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि जो टीएमसी का स्कूल है ये पट्टे में काफ़ी अंधेरा रहता है और एमएम वाली रोड पर ब्रेकर बनाने की मांग जो है ये राजन की ने और जावेद सिद्दीकी जो एमआईएम के नेता हैं इन लोगों ने की थी, जिसके बाद मनपा ने यहाँ पर ब्रेकर तो बनाया लेकिन उसके ऊपर वाइट कलर की पट्टी नहीं लगाई। और टीएमसी के स्कूल के सामने ये जो इलाका है यहाँ पर काफ़ी अंधेरा रहता है, ऐसे में ब्रेकर दिखाई नहीं देता है। और ये भी बताया जा रहा है कि जिस मटेरियल से ये ब्रेकर बनाए गए हैं उसी में से छोटे छोटे कंकड़ निकल रहे हैं, जिसकी वजह से बाइक स्लिप हो रही है। एक व्यूअर ने हमें ये वीडियो भेजा है और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये ब्रेकर अंधेरे में बाइक सवार कार सवारों को दिखाई नहीं दे रहे हैं और ये काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है, हादसे होने के चांस यहाँ पर ज़्यादा हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। ये मैं इस वक्त जो है एम एम वैली रोड पर मौजूद हूँ और मेरी गाड़ी चल रही है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर हमारे माननीय राजन किने साहब के कहने पर स्पीड ब्रेकर तो बना दिए गए, लेकिन ये स्पीड ब्रेकर देखे कितना अंधेरे में और बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, और नज़र तो नहीं आ रहा साथ में इसके ऊपर बारीक बारीक रेती और पत्थर भी मौजूद हैं ताकि इंसान अगर ब्रेक मारे तो डायरेक्टली वो स्लिप हो जावे। तो ये इस तरह के अगर स्पीड ब्रेकर बनाने थे तो इससे अच्छा तो फिर ये रोड जो है बगैर स्पीड ब्रेकर के ही अच्छा था। यहाँ से पूरा जो एम एम वैली रोड अपना कब्रस्तान अपना म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल तक की ये जो रोड गया है ये पूरा अंधेरा है, और पूरे अंधेरे के बीच में ये इस तरह से स्पीड ब्रेकर बनाया गया है जो बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको फिर से एक मरतबा घुमा करके दिखा देता हूँ, ये देखिए ये है हमारा स्पीड ब्रेकर जो शायद से ही नज़र आ रहा हो, ये है। और एक जो है इसके अंदर देखें बारीक बारीक जो है पत्थर पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से अगर गाड़ी को अगर अचानक से कोई ब्रेक मारता है तो उसकी गाड़ी स्लिप होना ही होना है। एक स्पीड ब्रेकर यहाँ पर बनाएगा, ये देखिए बारीक बारीक कितना रेती यहाँ पर मौजूद है, ये स्पीड ब्रेकर है पूरा, कितना अंधेरा है और नज़र ही नहीं आ रहा है, गाड़ियों की लाइट है और ये पूरा रोड बगैर लाइट के मौजूद है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि जो भी यहाँ अगर काम करने वाले लोग हैं अगर वो इसलिए उन्होंने स्पीड ब्रेकर बनाया है कि लोग ओवर स्पीडिंग ना करें तो फिर तो ठीक है, लेकिन ये जानलेवा हो सकता है कि इंसान कोई ऐसा है कि जो यहाँ पर पहले आया था और स्पीड ब्रेकर मौजूद नहीं था। अभी यहाँ पर देखें ये भी पूरा रेती है, पत्थर छोटे छोटे पत्थर मौजूद हैं जिसकी वजह से गाड़ी स्लिप होती ही होती है, ख़ास करके छोटी गाड़ी एक्टिवा वाले और एक्सेस वाले ये लोग जो हैं वो स्लिप होंगे ही होंगे। कुछ गाड़ियों में अगर लाइट की दिक्कत है तो फिर तो उनको बिल्कुल ही नज़र नहीं आने वाला, और अगर वो स्पीड में चल रहे हैं तो फिर तो बिल्कुल ही जो है समझ में ही नहीं आएगा। देखिए अभी यहाँ मैं चल रहा हूँ, मेरी लाइट चालू है गाड़ी की, फिर भी जो है समझ में नहीं आ रहा कि आगे कहीं पर स्पीड ब्रेकर है। तो मैं गुजारिश करूँगा अपने प्रशासन से कि भाई यहाँ पर बना तो दिया गया है, इसके ऊपर कम से कम वाइट पट्टी मारें, और ये रोड पर अगर आप लोग इतना ही ध्यान दे रहे हैं तो इसमें कम से कम लाइट लगवाएं, ताकि कम से कम अगर आप जान बचाना चाह रहे हैं तो सही से लोगों की जान बच पाए, वरना ओवर स्पीडिंग की वजह से तो नहीं लेकिन स्पीड ब्रेकर से गिरने की वजह से लोगों की जो है ज़रूर मतलब जो है जान को ख़तरा है और उनको लग सकता है अच्छा खासा, उनके हाथ पर टूट सकते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसको शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें यहाँ पर भी मैं आया आगे, यहाँ पर भी वही चीज़ है, स्पीड ब्रेकर बना दिया गया न जाने कैसा, और उसके ऊपर बारीक बारीक पत्थर मौजूद हैं जिसकी वजह से गाड़ी जो है डायरेक्ट स्लिप होती है। यहाँ तो फिर भी लाइट मौजूद है, लेकिन वो रास्ता पूरा हॉस्पिटल से लेकर के ये कॉर्नर तक के ये पूरा रास्ता जो है अंधेरे में है।